What's up gamers, स्वागत हो गया तुम सभी लोगों का अपनी एक और न्यू वीडियो के अंदर। तो क्या हाल चाल तुम सभी लोगों के, होप सब बढ़िया ही होगी और बढ़िया रहने चाहिए। तो आज हम लोग वापस से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो यस गाइस, तुम सभी लोगों का स्वागत हो गया अपनी प्यारे से वर्ल्ड के अंदर माइनक्राफ्ट के। तो भाई चौथी बार तुम सभी लोगों का दोबारा वेलकम बैक हो लिया है। यस गाइस, काफ़ी टाइम हो गया मेरे को वीडियो डाले हुए अपनी सर्वाइवल वर्ल्ड की। सॉरी गाइस फॉर समथिंग रीजन, कंसिस्टेंसी टूट गई थी गंदी तरीके से, लेकिन अपनी बनने वाली है यार, अब माफ़ करना यार, थोड़ा इतना चल जाता है, सॉरी। तो यस गाइस, आज से अपने लोग डेली डालने वाले वीडियो, मतलब डेली कंसिस्टेंसी बनेगी ही। तो यार इसी बात पर लाइक कर दो, चैनल पे लो सब्सक्राइब कर देना, ऐसी मज़ेदार वीडियो तुमको मिलती रहेगी यार। तो देखो लास्ट वाले एपिसोड में अपन ने बनाया था एक्सपी फार्म, जो नीचे है देखा, वहीं एक्सपी फार्म बनाया था। और वहीं पर आज हम लोग बनाने वाले हैं उसका, मतलब एंचांटमेंट रूम बनाने वाले, मतलब। और चंपागली की हाल चाल, ओ चंपागली कहाँ ले चल, नीचे चल, हमको नीचे ले जाए, नीचे के शहर है भाई, इसको छोड़ो यार, ये क्या, ये आगे तक जा नहीं पाएगी, बाहर रुक जाएगी। तो यस गाइस देखो, आज के इस वाले एपिसोड में अपन लोग बनाने वाले हैं एंचांटमेंट रूम, मतलब जो अपना एक्सपी फार्म है ना उसके जस्ट ऊपर अपना एंचांटमेंट रूम बनने वाला है। और काफ़ी क्रेजी सा ही बनेगा, मतलब मैंने डिज़ाइन काफ़ी स्ट्रक्चर काफ़ी एक नंबर नेक्स्ट लेवल ढूंढा, मतलब जो मैंने सर्च कराया इतनी मुश्किल से, एक नंबर डिज़ाइन, मतलब तुमने थंबनेल देखा है ना, बस यही बनने वाला है, तुमने थंबनेल देखा है ना बस, तुम्हें इतना मज़ा आ जाएगा, कसम से झूठ नहीं बोल रहा है। तो यस गाइस, यहाँ पे अपना एक्सपी फार्म, ओके आगे चलते थोड़ा। तो मतलब यहाँ पे जो एक्सपी फार्म है, यहाँ से जस्ट ऊपर आके यहाँ पे अपना स्पॉनर है, मतलब स्पॉनर का मतलब जो चेन बन रही है ना उल्टी टाइप की, मतलब ऊपर ज़ॉम्बी आएगा फिर नीचे गिरेगा फिर नीचे जाके चटक जाएगा, मतलब हेल्थ कम हो जाएगी वही, फिर दो शॉट हाथ के और स्वॉर्ड का एक शॉट, ये शॉट हम शॉट खत्म हो जाता है वो इसी तरीके से। तो यस गाइस, तो देखो आज का जो मैंने टारगेट, मतलब टारगेट का अपना जो टारगेट है एंचांटमेंट रूम बनाना, लेकिन उसका डिज़ाइन कुछ ऐसा है कि मतलब दो पिलर जाएंगे खड़े होंगे यहाँ पे दो पिलर खड़े होने वाले, फिर ऊपर जाएगा एक जो हैंगर होता है ना, हैंगर टाइप, यहाँ पे अपने लगेगा दो पिलर ऐसे आएंगे, फिर हैंगर टाइप आता है, हैंगर टाइप इन सेंस, तो मैं क्या बताऊँ, मतलब दो पिलर को जो ज्वाइन करेगा ना ऊपर से, उसके ऊपर वो बनेगा, फिर वहाँ से दो चेन्स आएंगे, मतलब चेन्स की जगह हम कुछ और उपयोग करेंगे यार, ऑब्वियसली बात है, वो इतना बड़ा एंचांटमेंट रूम, वो चेन संभालेगी हैं, चेन संभालेगी, वो चेन में इतनी जान भी है। तो देखो ये वही यही बनने वाला है, ओके गाइस। तो अपना जो एंचांटमेंट रूम होएगा, तो उसके जब पिलर्स आएंगे तो उसके बाद नीचे गिरेगा अपना एक रूम, गिरेगा नहीं मतलब लटकेगा उस पर झूले टाइप, जो झूला होता है ना वो स्विंग वाला, स्विंग होता है ना जिस पर बैठ के आगे पीछे झूलते हो यार तुम लोग, अब झूले होंगे पार्क के अंदर तो अच्छी बात है, लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूँ, तो वैसा होता है ना जस्ट उसी टाइप का बनने वाला। तो यस गाइस, उसी की अपन लोग मेहनत करने वाले हैं यंग गाइस। तो देखो सबसे पहले अपने को करना पड़ेगा, ये एरिया पूरा प्लेन करना पड़ेगा, मतलब जितना प्लेन कर सकते हैं ना, मतलब जितना डिस्टेंस अपने लोग कर सकते हैं उतना प्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्लेन के कोई काम तो चलने नहीं वाला यार भाई, इतना प्लेन करना पड़ेगा कि बहुत ही प्लेन करना पड़ेगा। तो वही प्लेन करेंगे और उसके बाद अपने जो बनने वाला है, जस्ट अपनी सीढ़ियाँ है ना तुमको दिख रही है ना सीढ़ियाँ, जस्ट वहीं पर बनेगा। तो यस गाइस, चलते हैं शुरू होते हैं अपने काम पे, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा हो गया भाई, इसे काम पे फोकस करते हैं अपने। सबसे पहले अपने को चाहिए काफ़ी सारे स्टोन्स, मतलब कम से कम एक स्टैक तो नहीं, मतलब और जो एक चेस्ट होती है ना, मतलब स्टोन्स, देखो सिर्फ स्टोन नहीं चाहिए मेरे को, स्टोन हो गया, कॉबल स्टोन हो गया, और जो मौसी वाले जो अपने को यहाँ से मिले थे, अपना स्पॉनर है, स्पॉनर से मिले थे, और डी स्लेट हो गए, और अपना ड्योराइट हो गया, और अपना क्या होता है वो ग्रेनाइट, हाँ ये मतलब ये अलग अलग टाइप्स के अपने को स्टोन चाहिए, मतलब ये सारी स्टोन की कॉम्बिनेशन में यार ये बेड क्यों डाल रखा मैंने, ये देखो इतने सारे पेड़ लगा दिए थे, मतलब लास्ट वाले एपिसोड में कम पेड़ थे ना, मैंने अभी उनको तोड़ा और 33 सैपलिंग निकली थी, 33 के 33 पेड़ उगा दिया अभी, और ज़्यादा भाई और ज़्यादा जंगल बनाएंगे अभी इधर, मतलब नेक्स्ट लेवल दिखने का, मतलब क्रेजी मैंने कुछ सोचा है, जो क्रेजी जंगल बनेगा। तो देखो यहाँ जो है ना ये वाला काफ़ी एरिया ढकने वाला है, क्योंकि जो अपनी लेवल होने वाला है ना वॉल का, मतलब जो अपनी डर्ट की लाइन आएगी, तो वो जो है ना पानी गिर रहा है वहाँ का, जो वो ये वाइट वाला दिख रहा है ना वहाँ से नीचे गिरेगा, तो ठीक है समझ गए तुम लोग। तो यार ये पानी बिगड़ जाता है यार, गलती से मैं उधर कूद गया क्या, मैंने एक बार बकेट लगा दी थी, पूरा पानी ऐसे नदा बह रखा है उधर, नदी नहीं है, नदी तो एक अलग चीज़ अलग कॉन्सेप्ट है वो, लेकिन नहीं यार वो तो नदा है। तो देखो अभी मैं क्या बात कर रहा था तुमसे, अबे यार बुला दिया यार, क्या कर रहा था बात, ओके अबे अबे हाँ तो याद आ गया था कि भाई सॉरी भाई थोड़ी सी याद दस, अरे मजाक कर रहा हूँ थोड़ा। हाँ देखो अपने को सारे स्टोन्स, मतलब जो एक स्मॉल चेस्ट होते हैं एक, तो ये सही नहीं, तो इसको पहले सही कर लेते हैं यार, देखो ओके भाई यो ना होने से रहा सही भाई, ये पूरा ऊपर से ऐसे वो एक्स्ट्रा लाइन निकल चुकी है, जिसकी वजह से पूरा मेरे को ब्लॉक ऊपर लेके जाना पड़ेगा, वो पूरा बात का काम है, उसको अभी नहीं करेंगे। तो देखो अभी अपने को जो एक सिंगल चेस्ट होती है ना 27 वाली, जो 27 में 27 एरिया होता है ना, मतलब उसको भरना है मेरे को कैसे करके, मतलब कितने स्टोन चाहिए मेरे को, अभी खुदाई पर जाना पड़ेगा यार, वही माइनिंग करने जाना पड़ेगा यार, हाँ नहीं तो यार माइनिंग सबसे बोरिंग काम तो नहीं है यार, मजा आएगा माइनिंग पे, फुल फोकस भाई एक नंबर तरीके से माइनिंग करने वाले। तो देखो जो अपने को सबसे पहले पिलर्स बनाने के लिए वॉल्स चाहिए, काफ़ी सारी वॉल्स,
तो लगते हैं भाई काम के ऊपर, अभी चलते हैं नीचे चुपचाप। रात भी हो चुकी यार, सो लेते यार, थोड़ा सा ऊपर जाके सो लेते यार। भाई बिना सोए काम कैसे चलेगा अपनी अपनी। अभी अभी इस वाले वीडियो की पहली रात है, तो यस गाइस पहली रात तो सोना बनता है ना यार, है ना। तो यस गाइस पहली रात सोने जा रहे हैं हम। ओके यार, इसका भी नाम कुछ रखना पड़ेगा यार मेरे को, ये लामा अपना जो भी लामा बना हुआ है ना, अपने पे लामा है और अपने पे दो तीन बीज है। हाँ तीन बीज है। तो भाई चंपकली क्या कर रहे हैं नीचे है रे, सो जा तू भी, मैं भी सोने जा रहा हूँ। तो यस गाइस गुड नाइट गाइस। तो मैं ये क्या कह रहा था यार, सोते सोते थोड़ा ना कहूँगा यार मैं। ओके गुड मॉर्निंग गाइस, अपनी पहली सुबह हो चुकी है इस वाली वीडियो की। और गेम मैं जब भी हगता हूँ भाई, जब भी ऐसे रिकॉर्ड करने बैठता हूँ ना एमएलजी, मैं हर बार हगता हूँ। मतलब मरने वाला तो नहीं हगता कि मर ही जाऊँगा, वो वाला तो नहीं हगता, वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। देखना यार ये पानी अब जाके भिड़ेगा इधर। मैं यार यहाँ भी बन गया अलग तब से। ओ बहन की टेंट, कितने स्केलेटन उग रखे हैं, मतलब स्पॉन हो रखे हैं यार। और शटूज, अरे स्केलेटन का हाल चल। ओ बकरी पर भी है छोटू, क्या हाल है। ओए नहीं प्लीज मत आइयो, अभी स्केलेटन मार लेता हूँ। चल 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 छोटू, तेरे तेरे बस किया, तू मारेगा हमको है। ओ अबे नहीं नहीं प्लीज प्लीज भाई, दो दो एच पी भाई साहब, लास्ट टाइम मैं हाफ हार्ट बचा था ऐसे क्रीपर से फटने के बाद, इस बार दो एच पी भाई साहब। भाई दिल की धड़कन ऐसी बढ़ गई थी ना अभी। कोई दिक्कत नहीं भाई, बच तो गए ना, बच जैसे मतलब है, फालतू काम से हमको ना मतलब है। ये पानी फैल चुका, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में सही कर लेंगे, हमारा काम ही है। अब कोई नहीं आई, जब अपना लेवल हो जाएगा, मतलब जो एरिया है वो लेवल हो जाएगा, उसके बाद ऐसा कुछ कांड तो नहीं होएगा मेरे हिसाब से क्या होएगा ही नहीं। ये एक तो ये सारी केव्स कवर भी करनी है मेरे को, मतलब ये सारी जितनी ये वाली देखो कितनी गहरी है स्पॉनर के पास, जस्ट ये पूरी कवर करनी पड़ेगी मेरे को। केक गाइस चलते हैं भाई। अब देखो इसी केव में जाना पड़ेगा यार, इसी केव का थोड़ा आनंद उठाओ यार, जब इस केव को हम बंद करने वाले हैं तो इसका आनंद उठाया जाए यार, क्यों ना, है ना। तो वही चल रहे स्टोन माइनिंग। अब यार कहाँ कूदता हूँ, कहाँ नहीं आता यार, अपने पे अपने को पिकैक्स भी चाहिए यार देखो, क्योंकि अच्छा खासा आयरन, ये इतने आयरन से जो काम चल रहा है, आयरन मतलब आयरन की पिकैक्स छोटी सी। मैं ज़ॉम्बी क्या दिख रहा है तेरे को, का कुछ बात ना करने देगा है छोरे। टूटी भी गई वो, देख रहे हो टूट भी गई वो एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अबे यार ये काफ़ी जो टूट रखी है यार, ऊपर ही जाना पड़ेगा मेरे को यार, ऊपर ही जाना पड़ेगा मेरे को यार, ऊपर से आयरन लाना पड़ेगा। क्योंकि देखो अभी मेरे को अच्छा खासा देखो 27 टैक्स स्टोन्स चाहिए मेरे को सारे टोटल मिला के, मतलब जितनी वेराइटी स्टोन की 27 टैक्स चाहिए मेरे को। और 27 × 24 तुम कर लेना यार, क्या होता है 27 × 24 कैलकुलेशन करके देखता हूँ, 27 × 24 कितना होता है भाई तुम बताओ यार, किसमें के है यार। 27 × 24 27 ऐसे हो गया। ओके 27 है भाई, हाँ 64 यार, 24 कर रहा हूँ 64 सॉरी 64 27 × 64 27 यहाँ पे हो गया, 64 यहाँ पे हो गया। ओके 1728 मतलब 1728 ब्लॉक्स चाहिए उन्हें मेरे को स्टोन्स के, कोई दिक्कत नहीं है वो सारे लगा लेंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। अभी यार एक तो आयरन की पिकैक्स लानी पड़ेगी ऊपर जाके। अब यार 2 मिनट रुको यार, मतलब यार तुम्हें पता है ना यार, ऑब्वियसली बात है आयरन की पिकैक्स इतनी सी काम की है, 1738 ब्लॉक तोड़ लेगी तुम्हें लगता है क्या, नहीं यार चांस ही नहीं है कोई, वो लेवल की बात ही नहीं, लेवल तो है ही नहीं इसमें, निकलेगा कहाँ से लेवल, जब लेवल निकलने के लिए लेवल भी तो होना चाहिए कम से कम, तो लेवल ही कहाँ निकलेगा यार। हाँ वही बात कर दी यार, आ चुके अपने लोग ऊपर। अपना आयरन यार डायमंड की पिकैक्स बना लेता हूँ मैं, क्योंकि देखो मेरे हिसाब से डायमंड की पिकैक्स बनाना ही अभी सही चटका है मेरे दिमाग में, क्योंकि देखो अपने में 11 डायमंड, ये देखो बन गई अपनी डायमंड की पिकैक्स, डायमंड की एक्स भी बना ली, अपने सॉर्ड भी बना लिया यार, इतना एक्स्ट्रा डायमंड है तो यार यार ये क्या बनाना तो बनता है यार। ओके अपने हो चुके हैं 3 डायमंड बचे अपने पे, 3 में अपनी क्राफ्टिंग जो मतलब एन्चेंटमेंट टेबल बनेगी वो 2 डायमंड से लग जाएगी, 1 डायमंड बचेगा उससे हम कुछ बना लेंगे, देखते हैं जो भी काम करेंगे उसकी शवल बन सकती है, देखते हैं वो बात की बात है यार। तो देखो अपने पे डायमंड्स के हो चुके टूल्स, उसी कोई टेंशन नहीं है। और अपने स्टोन्स, अपने इतने स्टोन है, ग्रेनाइट भी है, ओके गाइस गॉट डीप स्लेट भी है, क्या मेरे को ये तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 47 डीप स्लेट है यार, बेस्ट बात है यार। इतना ही सामान है यार और नहीं है क्या भाई यार। ये रे अपने मॉसी कॉबल स्टोन, वाई यस गाइस अपने लोग चलते हैं नीचे चुपचाप, अपने इस माइनिंग पे चलते, क्योंकि अपने आयरन की नहीं डायमंड की पिकैक्स बना लिए, जो इतने ब्लॉक तो प्यार से ही तोड़ लेगी। हाँ वो बात अलग है कि ये पिकैक्स भी फट जाएगी उसके बाद ब्लॉक तोड़ने के बाद, लेकिन वो एक अलग कॉन्सेप्ट है यार। एक तो यार इतना कूड़ा कबाड़ा भरा रहता है इन्वेंट्री में कि ये यार इससे परेशान हो चुका हूँ यार। हाँ नहीं तो हर बार कोई ना कोई वैसे साइन बोर्ड काम का था, नीचे कमा नीचे ही लगा के आयो, कोई दिक्कत नहीं है। एक और बार एमएलजी करते भाई तुम्हारे भाई, ये बोल रहे भाई फालतू भाई मजाक कर रहा था यार, लास्ट टाइम वो हक दिया था, यहाँ भी देखो कर रेक्ट एमएलजी भाई। ओके शोटू क्या हालचाल है, मरना चाहता है क्या हमसे, मरेगा मर हट शोटू भाई, देख लेवल के बंदों से भिड़ा जाता है।
जिस बंदे के लेवल नहीं होते हैं ना, तो उस बंदे से लेवल, उस लेवल के बंदे से नहीं भिड़ना चाहिए। बच्चे वाली बात कर रहा है ये भी। हाँ नहीं तो आ चुके हैं लोग यहाँ पे, देखो यहीं खोदना चालू करते हैं, ज़्यादा नीचे देखो अपने ग्रेनाइट और ये सब यहीं पे, तो यहीं खोदना चालू करते हैं। पहले अपना स्टोन कलेक्ट करते हो कि गाइज यार हो, बहुत काम होने वाला है, बहुत टाइम निकलने वाला है मेरे को। टॉर्च दिखा लो यार, ये बंद भी कर लो, पीछे से आगे कोई क्रीपर व्रीपर फोड़ के चला गया यार, वो अलग सीन हो जाएगा। कलेश ही कलेश है, अलग चीज़। हाँ यार स्टोन कर रहे हैं माइन। ओके गाइस, मतलब भाई अब तुम लोगों को मिलता हूँ सीधा सारा स्टोन माइन करने। ओके अपना ग्रेनाइट आ चुका, ग्रेनाइट है ना, और ग्रेनाइट नहीं क्या ये, एक सेकेंड, हाँ ग्रेनाइट ही तो है। ओके मतलब ये अपने को चीज़ यहीं पर मिल जाएगा, मैंने लास्ट वैसे यहाँ पर नहीं मिलना चाहिए यार। वो तुमने स्टेयर्स देखी है, कितनी सारी स्टेयर्स बनी हुई है घर के सामने, वही सारी यहीं से लिए ग्रेनाइट से। अब ये बच कैसे गया भाई, किस्मत अच्छी है कि अपने को मिल गया। मैं तो सोच रहा था कि मिलेगा कैसे, मैंने तुमको बस बोला नहीं था, मैं डर में था कि मिलेगा कैसे भाई, इतना आसपास का सारा खोद डाला मैंने, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मिल चुका है अपने को ग्रेनाइट भी। ज़्यादा नहीं चाहिए, मतलब एक दो स्टैक मिल जाए, ज़्यादा नहीं चाहिए मतलब एक स्टैक मिल जाए वही बहुत है, एक दो स्टैक कर लेंगे इकट्ठा, कोई दिक्कत नहीं। वॉल सी तो बनानी है, वैसे एक ब्लॉक से एक वॉल बन गया, हाँ कोई दिक्कत नहीं भैया, देखो टूट ही गई अपनी आयरन की पिकैक्स, कोई दिक्कत नहीं भाई, इतने में टूट जाती है यार, मेरे को ऊपर जाना पड़ता है फिर कले से, भाई मत्था पेची होती है कसम से, वो अलग मत्था पेची है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सीधा माइन करने के बाद मिलता हूँ तुम लोगों से बस एक सेकेंड इसी प्लस टू एक घंटे बाद। सी गाइज, तो यस गाइस, खुदाई ना करने की जगह अपार्टमेंट बना देने के बाद भाई देखो तुम लिटरली देखो यार, ये अपार्टमेंट का एक रूम है, यहाँ एक रूम खोद दिया, यहाँ एक रूम खोद दिया, और फाइनली अपने पे अच्छे खासे स्टोन्स, ड्यूराइट, एंड्रोसाइट, ये अपने मौसी कोब्लस्टोन अपने में पहले थे, और ये ग्रे नाइट अपने पे सारे हो चुके हैं मेरे हिसाब से। देखो इतना इनफ है मेरे लिए, और मेरे हिसाब से इतना इनफ है अपने लिए, क्योंकि देखो अपने को ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने जो सोचा था ना, मैंने कहा भाई वॉल्स भी बनने वाले यार, मैंने उनको वॉल्स नहीं लिया था, मैंने वॉल्स की जगह एक ब्लॉक ले लिया था यार, एक ब्लॉक ले लेता मतलब, लेकिन यार वैसे वो एक ब्लॉक से ही तो एक ब्लॉक है कुछ भी यार, अगर कम पढ़ा मैं नीचे आ जाऊँगा, दिक्कत मेरे को देखो इतने मेरे हिसाब से, मेरे को इतने इनफ है अपने लिए मेरे हिसाब से। ओ भाई यार आयरन ले लेता हूँ यार, आयरन की कमी पड़ दी अपने पे, ओए शोटू क्या है का दिक्कत है वैसे साले, मतलब परेशान करना जरूरी है, अकल नहीं है मतलब, राजा जी को मारा जाता है क्या है। ओए भाई देख, तेरे चचा के लड़के को मारा भी तेरे को समझ नहीं आती, तेरे चच्चा का लड़का चटका दिया खुंदक में आके, सोच रहा कि मैं मार दूंगा इसको, नहीं 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 भाई, उसके मामा के लड़के भी आ गए, बस बहन की टेंट क्या स्पॉनर है क्या आसपास इसका, चल छोटू तू भी खत्म हो, परेशान कर रखा है भैंस की यहाँ का डेरा जमा रखा है इन लोगों ने यहाँ पे, भाई घर इनका है ना यहाँ पे डेरा जमा रखा है। ऊपर चलते हैं गाइस, तो भाई देखो अपने ऊपर चलते, रात भी हो चुकी है, सो जाएंगे चुपचाप के। चल शर्टूज यहाँ, चल 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 ऊपर, चल 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 ऊपर, चल शर्टू भाई, चल ले भाई पहले, अबे नाटक मैं मौत मारूंगा। ओके गाइस हम लोग आ चुके हैं ऊपर की साइड, अपना घर दिख चुका है अपने को, अब अपने को स्टोन सिमेल्टिंग पे लगाना है, तभी मैं लाया हूँ 42 कोल्स लाया हूँ। देखो यहाँ पे अपने सारे स्पॉनर का क्रीपर जॉम्बी यार क्रीपर बोलता हूँ अपने पे सारे के सारे, मतलब जितने इनफ है मेरे हिसाब से 42 कोल्स इनफ है, और अपने पे एक स्टैक से ज़्यादा अपने पे रखा भी है यार चेस्ट के अंदर ऊपर, तो वो इनफ है मेरे हिसाब से, कोल की जरूरत, कोल की रिक्वायरमेंट तो मेरे को अब नहीं है, और बाकी देखेंगे आगे जाके क्या होगा। अब ये जिंदा कैसे हो गया यहाँ पे, लागू कैसे हो गया सिस्टम, यो सिस्टम यहाँ पे लागू कैसे हो गया, मतलब ये एक्सपी फार्म कैसे वर्क करने लग गया भाई। मैं तो अच्छा मैं नीचे गया था ना एक सेकंड के लिए, अब यार ये पूरा ख़राब हो जाता है यार ये, मतलब ये जो अपना वाटरफॉल है ना पूरा ख़राब हो जाता है यार, मैं अगली बार से पानी नहीं डालूंगा यार। हाँ नहीं तो यार पानी ज़्यादा देर के लिए छोड़ दो ना, ये भयंकर सर पे चढ़ जाएगा, ये चीज़ ऐसी है कि भयंकर। हाँ नहीं तो अगर तुमने पानी छोड़ा तो मतलब वो है ना वही हिसाब हो जाता है कि यार तुम भाई लेजिट एक बार के लिए इसने मेरे को डरा दिया, मैं कहा ये क्या खड़ा है, एक बारी के लिए मैं डर गया कसम से भाई, कसम से एक बारी के लिए डर गया, मैं कहा ये खड़ा क्या है, फिर देखा भाई अपनी चंपा का लिए, अरे चंपा का लिए हमको डराएगी भाई, नहीं जाना उधर क्या, हमको डराएगी क्या, शर्म नुआई तन्ने है, शर्म नुआई हमको डराएगी का, चल ऊपर चल चंपा का लिए मेरी, देख तेरे को यहाँ छोड़ देता हूँ मैं, मेरे को नीचे जान दे भैया, मेरे को उधर जाना, तो यहाँ से चलता है अपनी लिफ्ट से, अपने लिफ्ट से चलते हैं ऊपर। यस गए आ चुके अपने लोग ऊपर, अपने को सारा स्टोन तो नहीं चाहिए, देखो ओके 42 आयरन अपने पे है ऑलरेडी, ये एक स्टैक यहाँ लगा दो, ये भाई 24 गोल्ड करके आ रहा है, 24 गोल्ड तो नहीं है मतलब 24 ग्लास, ओके इसको यहाँ लगा दो, ओके आधा इसको कर दो,
परफेक्ट। 5 स्टैक मेरे लिए काफ़ी है, देखो 5 स्टैक स्टोन काफ़ी है, मतलब इतना और इतना कोबल स्टोन अपने को चाहिए, ड्यूराइट चाहिए, ग्रेनाइट चाहिए, एंड्रासाइट चाहिए, मौसी कोबल स्टोन होता है क्या स्मेल्ट? एक सेकेंड, मौसी कोबल स्टोन स्मेल्ट होता है क्या? एक लो यार, एक लो, मैं ट्राई करता हूँ शायद से, मेरे को नहीं होता वैसे, है ना, नहीं होता, वही तो ये होता है, ये भी ना होता ये होता है। अबे लग जाओ यार भी, फालतू में लगा दिया मैंने गलती से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अपने लोग नहीं जा सकते यार, थोड़ा डिज़ाइन ले यार, थोड़ा कुछ लुक ख़राब कर दिया, लुक तो ख़राब नहीं करा, देखो दिखने का क्रेजी लग रहा है यार, पेड़ ऐसे रखे हैं, कुछ नया ट्राई कराते हैं। एक तो ये वुड अच्छी नहीं लगती यार, चेंज करूँगा ये वाली वुड, मैं कहा कोई सी कोई और वुड लगाने वाला हूँ मैं शायद से, बाकी तुम बता देना यार। ओके, अपने यहाँ पे 5 स्टोन हो चुके हैं, अपने पर टोटल हो चुके हैं 13 के 13 स्टोन, से ज़्यादा ही हो चुके हैं भाई। देखो इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे, अब हम चलते हैं नीचे, अपना स्ट्रक्चर जो अपना उसको बिल्ड करेंगे, मतलब जो अपना स्ट्रक्चर है उसका एज्यूम करेंगे, ब्लू प्रिंट बनाएंगे, जिससे अपने लोग समझ सकते हैं कि अपना स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, और क्या समझेंगे, है ना। तो ये अपने लोग चलते हैं चू भाई यार, चल ओके गाइस, अपने लोग आ चुके हैं। ये पेड़ हटाना पड़ेगा, और मेरे को अपना जो ये है ना वर्ल्ड लेवल करना पड़ेगा यार, मतलब यार ऊपर उबड़ खाबड़ हो रखा है पूरा सिस्टम, देखो तो यार ये यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ये ऐसा उबड़ खाबड़ हो रखा है, तो मेरे को कम से कम इसको एग्जैक्ट लाना पड़ेगा कम से कम ओके इतनी की हाइट पे, नहीं यहाँ वहाँ से दिखता हूँ यार। देखो ये अपना है, तो मतलब मेरे को इतनी हाइट पे लाना है, इतनी हाइट पर लाने के लिए मेरे को अच्छी खासी अमाउंट ऑफ डर्ट चाहिए, मतलब जितना मैं इतना कर सकता हूँ ये कम से कम पूरा उतना स्टेयर तक कर दूंगा, ये अपना पूरा एरिया ढक जाएगा नीचे, मेरे को पता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको वहाँ से ट्रांसपेरेंट लगा के यार दिखना जरूरी थोड़ा ना, ज़ॉम्बी आ रहे हैं नहीं है, वो देख लेंगे वो क्या होगा, वो देखी जाएगी क्या होगा, वो उस पर डिपेंड आ गया कि फ्यूचर पर डिपेंड है, मतलब फ्यूचर पर क्या, मतलब आगे जाके डिपेंड है हम क्या करते हैं। तो भाई यार एक तो डायमंड की शवल भी बना लेता हूँ यार, जब इतना कुछ डायमंड का बना ही लिया है तो शवल बनाने में दिक्कत कहाँ है। भैया अच्छा वही तो सोचूं मैं, कहीं पानी आ कहाँ से रहा है, बंद होएगा क्या भाई, छोटू बंद हो जाए यार, हेलो नहीं होगा क्या। अबे यार ये ऐसा, मतलब मेरे को पूरा स्टोन का वो खींचना पड़ेगा, कोई नहीं इसको बाद में शॉर्ट करूँगा। भाई भाई ये बिजली बड़ी गंदी खींचता है भाई, ये इससे दूर रहना पड़ेगा भाई, जब बिजली थंडर स्टॉम आता है ना, एक तो इस वाले वर्ल्ड में थंडर स्टॉम इतना आता है कि मतलब इस वाले वर्ल्ड का रिश्ता थंडर स्टॉम से कितना खतरनाक तगड़ा जुड़ा हुआ हो, तालमेल ऐसा खतरनाक वाला हो रखा हो कि वो होता है ना जो जुड़ने होता है यार, कुंभ के मेले में घूम जाता है जब कोई भाई, तो बस ये वर्ल्ड का भाई है थंडर स्टॉम, कुछ सेंस तो नहीं बना लेकिन बस बन गया, बना लो यार, मजा कर रहा हूँ। अब हम चलते अपना जो क्या काम करना था अपने को, क्या करना था भूल गया, हेलो मैं क्या करना था कसम से भूल गया यार, हेलो हाँ शवल बना ली थी, वही तो कहूँ मैं, कहा आया क्यों है, रीजन क्या है मेरे ऊपर आने का, अभी याद आया अपने को शवल बना ली थी, अपने को शवल बनानी थी। ओके गाइस अपनी शवल बन चुकी है, अब हम चलते हैं नीचे और डर्ट इकट्ठी करते हैं। ओ डर्ट है क्या मेरे पे, थोड़ी चेक करता हूँ, डर्ट होनी चाहिए मेरे पे कायदे से, क्योंकि देखो मैंने काफ़ी खोदा था तो उसके अंदर डर्ट तो निकली थी ना, डर्ट हाँ देखो 52 डर्ट है काम की, मैंने कहा था ना डर्ट तो अपने पे होगी यार। ओके अपने लोग चलते हैं अब नीचे, अब एरिया प्लेन करना चालू करते हैं, क्योंकि एरिया प्लेन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। ओके एनीथिंग एल्स, ओके गाइस यंग चलते हैं नीचे, चुपचाप चलते हैं। अब यार ओ बहन की टेंट, 3 हार्ट पे बचा हूँ यार, फूड भी अपने को यार, फूड भी खत्म हो रहा है यार अपने पे यार, मेरे को करना पड़ेगा यार कुछ जुगाड़ फूड वूड का यार, इस वाले में फार्म बना दूँ क्या, मतलब साइड में कुछ, एक सेकंड यार ये अपना वर्ल्ड लेवल कर देता हूँ, मतलब सारी डर्ट अच्छे से लगा देता हूँ, उसके बाद अपना जो फार्म है ना, मतलब टेम्प्ररी फार्म बना लेंगे भाई यार, देख रहे हक दिया ना, टेम्प्ररी फार्म बना लेंगे, मतलब शो मतलब क्या कहते हैं उसको, हम फार्म लेट बना के उसके ऊपर क्रॉप लगा देंगे, उसके बाद उसको बाद में अगले वाले एपिसोड में तो खैर अपने लोग डायमंड का आर्मर बनाने वाले हैं, उससे अगले वाले एपिसोड में अपने लोग कर लेंगे फार्म बना लेंगे कुछ क्रेजी सा। कमेंट करना अगर तुम्हें चाहिए वाला जल्दी ही एपिसोड, तो जल्दी लाऊंगा नहीं तो आराम से लाऊंगा भाई, वैसे लाने का तो फुल ट्राई करूंगा जल्दी। ओके अपने पे हो चुकी है अच्छी खासी डॉट, यहाँ पे अपना पूरा एक सेकंड के लिए अपना, मतलब ये थोड़ा है ना एरिया थोड़ा अच्छा खासा, अबे यार क्यों गिर रहा हूँ बार बार ऊपर, चल अच्छा खासा एरिया क्लीन कर लेता हूँ ताकि मैं फूड का फार्म बना लूँ इधर। ओके गाइज ओके अबे यार ये ऊपर क्यों लग रही है यार, सबसे बेकार बात लगती है जब जहाँ लगानी नहीं है डॉट वहाँ लग जाती है। ये यहाँ से कैसे ऐसे छोट इसको, अबे यार ये लगा किसने रखी है यार, घास वैसे कोई लगा था अपना अपना उगती है यार, कर दी ना सेंसलेस बात, मजाक कर रहा हूँ। ओके फाइनल गाइज, इतनी देर बाद 1.5 घंटे बाद फाइनल अपना ये वाला एरिया तो प्लेन हो चुका है, मतलब जितना हम कर सके थे, जितना अपनी दो शवल ने काम करा, जितना जहाँ तक साथ दिया उतना काम हो चुका है अपना। उसके बाद अपना जो मेन फोकस, मतलब जो अपना मेन काम बचता है, अब अपना बिल्ड सीधा स्ट्रक्चर बनाना, और मेरे हिसाब से अपना सारा स्टोन का स्टोन भी सारा हो चुका होगा भाई, तुम देख रहे हो कितनी कितनी स्टेयर से, मतलब कितनी अपर आ गई, और मेरे दिमाग में क्या चमका है रे, मतलब देखो हमारा जो ये है घर, ये आ रही अपनी स्टेयर्स। ओके गाइस, और फिर यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर बनने वाला, मतलब ये एक
ये पिलर आ गया दो, और ऐसे मतलब अगर उधर तो नहीं बनेगा मेरे हिसाब से, नहीं बना सकता हूँ वैसे, नहीं मतलब कुछ क्रेजी सा अगर जैसे हम बना सकते हैं, क्योंकि देखो मैं उधर ही सोता हूँ तो उधर से कुछ सामने ही दिखेगा, तो कुछ क्रेजी सा बन सकता है मेरे हिसाब से, अगर बनेगा तो अच्छी बात है भाई। और वैसी बात अपने लोग बनाने वाले, पहले बनाएंगे अपने लोग स्ट्रक्चर यहाँ गाइस। तो अपने लोग चलते हैं, हमारा काम जो है पहले चेस्ट वेस्ट है क्या मेरे पे यार, चेस्ट ही नहीं यार, एक सेकंड को चेस्ट बना लेता हूँ, मेरे पे ऊपर रखी है चेस्ट, लेकिन मैं ऊपर जाने में आलस आ रहा है यार, वैसे जाना है मेरे को ऊपर ही, तो मेरे को भी पता है अब मैं नीचे आना यार, मेरे को भी ऊपर जाना है लेजिट एक भाई। ओ भाई यार ये थंडरस्टॉर्म आ गया ना, ये सबसे बड़ी दिक्कत करता है यार, भयंकर थंडरस्टॉर्म की भी ना नशे हो रखे हैं भाई, कितने इतनी जल्दी थंडरस्टॉर्म आता है ना कसम से। तुम देखना अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई और तुमने देखा ये थंडरस्टॉर्मिंग, तुम्हारे टाइम पे थंडरस्टॉर्मिंग हुई, मैंने बाय द वे मैंने वो देखो चमकी ना अभी, एक सेकंड बस, एक और बार चमक जाए यार बिजली, ओ बिजली बिजली बा, एक और बार चमक जाओ भैया जी, देखो कड़की ना क्योंकि गाइस यू सी दैट आई सी भाई साहब बिजली हो रही है क्या, और ये इतनी खतरनाक, मतलब ये तो कुछ नहीं है भाई, बिजली टेढ़ी मेढ़ी ऐसी खतरनाक तरीके से मैंने देखी है ना कड़कते हुए। ये लगाया किस लिए यार, थोड़ा ऐसे व्यू के लिए लगाया यार, थोड़ी बिजली बिजली भी दिखनी चाहिए यार। देखो गुड मॉर्निंग गाइस, हो चुकी अपनी अगली सुहानी प्यारी सी सुबह जिसमें अपना थंडरस्टॉर्म खत्म हो चुका। अब मैं पानी नहीं डालने वाला, अब मैं कंजूस अब नहीं करूंगा, मैं कंजूस नहीं कहेंगे उसको, मतलब पागलपंती नहीं मचाने वाला यार मैं, हर बार का सीन हो जाता है यार। हाँ नहीं तो वो भयंकर वो पानी ऐसा चटक जाता है उधर से, मतलब मिक्स हो जाता है तो वो नदी बह जाती है, अलग नदा बह जाता है भाई, नदी नहीं नदा। तो यस गाइस अपने लोग, हाँ अपना स्टोन स्मेल्ट हो गया होगा भैया जी, स्टोन जी और स्टोन जी, अरे अपनी शवल भी चटक चुके भाई गंदे तेरे, अपने पे एक ही डायमंड बचा अपने पे। हाँ नहीं तो ये रहा अपना स्टोन भाई यार, ये वड़ा अपना स्टोन, ये वड़ा अपना स्टोन और स्पायरन, ओके एक ओके, मतलब एक से आठ बन जाते हैं क्या, मतलब एक कोल से अपने आठ आयरन स्मेल्ट हो गए, नाइस वन। ओके अपने लोग आ चुके हैं नीचे, हाँ अपने को चाहिए ग्राइंडर, मतलब स्टोन ग्राइंडर, तो मेरे को वो बनाना पड़ेगा ऊपर चल के, आयरन अपना ऊपर ही रखा हुआ है, वेर इज़ द आयरन, ओ आयरन आयरन और आयरन, एक आयरन चाहिए अपने को, एक ही चाहिए भैया जी, हाँ इसको धर लो, इसको भी धर लो तुम, इसको भी धर लो, हाँ अपना स्टोन बनता है, स्टोन स्मेल्टर, मतलब जो अपना वो है स्टोन कटर, STONE स्टोन कटर किससे बनता है यार, ये बना लेते हैं अपना, अब शायद से स्टोन कटर बन जाए, ओके हाँ ये अपना स्टोन कटर, अब यार ये बेफाक कर दिए ना, वेस्ट कर दिए ना, ये अपने को चाहिए काफ़ी सारे ग्राइंडर चाहिए अपने को, कोई दिक्कत नहीं, वेस्ट नहीं करे, ओके वुड खाए रे, वुड 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 इतनी सारी वुड लेके आया था भयंकर वुड, वही तो कहूँ मैं कहाँ जाइए, ग्राइंडर बनना है अपना, ओके GRIN ग्राइंडर कितने बना सकता हूँ भाई, मैक्स छः बनेंगे क्या, मेरे को काफ़ी सारी चाहिए ग्राइंडर यार, अबे यार एक तो वुड, सारी वुड कहाँ से ली गई, आयरन ख़त्म हो गया, नहीं आयरन की तो ज़रूरत ही नहीं थी, आयरन नहीं ख़त्म हुआ भाई मेरे, वुड भाई वुड इतनी सारी वुड लाया था मैं, ओ बहन ओ भै हाँ ये रही वुड, वही तो कहूँ मैं, कहा वुड गई का गई तो गई का भाई, ज़मीन निकल गया, आसमान निकल गई, चेस्ट निकल गई, नहीं कौन निकल गया बताएगा मेरे को कोई, स्टोन ग्राइंडर अपना एक STONE ओके भाई यार आ जा यार, इसको स्टोन भाई छी भाई यार, स्लैब भी ख़त्म हो गई क्या, शायद से दिखते हैं आप कितने बन सकते हैं, ओके बस इतने बहुत है, 15 बन गए अपने, नाइस वन, मेरे हिसाब से 21 बहुत है, मेरे हिसाब से 21 बहुत है, 21 से ज़्यादा मेरे को ज़रूरत नहीं है, जितना मेरे को पता है 21 से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है अपने को। तो ये सर अपने लोग चलते हैं नीचे, पता है ये क्या है, मतलब जो अपना ये है ग्राइंडस्टोन, ये अपने काम आने वाला है चेन के रूप में, जो अपना जो है ना अपना XP फार्म, मतलब एंचेंटमेंट, ओ बहन की टेड जस्ट अभी मरता, लेजिट अभी ख़त्म था, जस्ट इससे भिड़ने वाला था, एक 0.1 सेकंड से बचाओ अभी कसम से। ओके अपना यहाँ पे सामान कर लेते हैं, इसको फालतू सामान अपना निकाल लेते हैं, ये अपना है ओके, ये इसको यहाँ लगा देते हैं, स्टोन अपने को चाहिए ताकि हम कट कर सके, ओके इसको भी कट करना है, इसको अपने को कन्वर्ट करना है वॉल्स में, कट कर दिया भाई 60 ये इतनी हो चुकी है मैं, अब इतना ये 64 है ना इसलिए मैंने इसको सारा में कन्वर्ट कर दिया, और इसको मैं ज़्यादा नहीं करने वाला, बस इतना बहुत है, और ये सारा कर दो, इस कन्वर्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, और एंटर, ओके तो इतना सारा का सारा सामान इकट्ठा हो चुका है, मतलब अपने को जितना स्ट्रक्चर बनाने के लिए चाहिए, ग्लास और एंचारमेंट टेबल छोड़ के, और बुक्स का सिस्टम अलग है, वो अलग सिस्टम, वो अलग मत्थापेड़ी होने वाली है, लेकिन अब हम चालू करते हैं अपना स्ट्रक्चर बनाना ब्लूप्रिंट के हिसाब से। देखो अपना जो बनने वाला है ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये अपना यू हो जाएगा, उल्टा यू, मतलब झूमर टाइप, जो भी झूला लगा लो यार तुम, वो जो पार्क में होता है ना झूला,
जू वही वाला झूला समझ दो यार। उसके यहाँ पे अपनी स्ट्रिंग लगने वाली है, इन द सेंस अपना स्ट्रिंग नहीं मतलब चेन टाइप बनेगा जो ग्राइंडस्टोन लगने वाला है, और बीच में आएगा वो। अबे यार फोटो दिखा नहीं सकता यार मैं, कोई नहीं यार तुम थंबनेल देख लिया बस। हाँ तो देखो गाइस अपना जो अपना पिलर्स लगने वाले हैं बीच में 14 के गैप में पिलर्स लगने वाले हैं, तो मतलब कॉबल स्टोन से लगेंगे पिलर्स। हाँ देखो परफेक्ट एरिया मेरे हिसाब से, मैं इसको चूज करता हूँ। देखो ये वाला थोड़ा शॉर्टर एरिया हो जाएगा ना, तो ये थोड़ा बड़ा एरिया, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट होने वाला है। ओके गाइस तो अपना वो चौड़ा कम से कम इतना होगा यहाँ से लेके, हाँ तो यहाँ पे परफेक्ट ये वाला जो एरिया है ना यहाँ पे लगाएंगे अपने लोग। एक सेकेंड यहाँ पे, हाँ परफेक्ट, एक सेकेंड, हाँ ये परफेक्ट एरिया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 मेरे हिसाब से इतना बेस्ट होगा। चेक करते हैं। अबे ये हक दिया ना, जब भी एमएलजी ऐसी करनी होती है तभी हकता हूँ, पता नहीं क्यों इतना गंदा। ओके देखो मेरे हिसाब से तो नहीं चलेगा ऐसे। हाँ देखो परफेक्ट है, बिल्कुल इतना इतना परफेक्ट है। अब हम 14 का गैप लेते हैं बीच में, 14 का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 यहाँ पे आएगा अपना ये, मतलब 14 के करेक्ट 14 के ऊपर अपने लगने वाला है एक और ब्लॉक का, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, इतना दूर मतलब इतना गैप है कोई दिक्कत नहीं है, 14 गैप होएगा ना। ओके चल भाई कितना दूर कितना भाई, एक तो मैंने गिना यार ब्लॉक कितना होना चाहिए। हाँ अब परफेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। ओके अब भाई ये रिस्क नहीं लेना कूदने का, मतलब एमएलजी तो आती है, देखो एमएलजी तो आती है लेकिन कभी कभार जिंदगी में एक दो बार हक जाती है, वो इशू बन जाता है। हाँ अपने को चाहिए वुड का अपनी सारी की सारी वुड चाहिए, वुड से अपने को बनाने काफ़ी सारे क्या बनाने भाई समझो यार भाई यार ओए। हाँ ये एक सेकेंड ओके ओक फेंस बनानी अपने को काफ़ी सारी। हाँ तो अब देखो इसको सारों को ऊपर रखो यार, अब तुम ऊपर चलो। हाँ एक एक करके ले लेते हैं, एक ये ले लिया ओके ये ले लिया, ओके ये ले लिया। हाँ ना इस वन ओके बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। इसको हटा लेते हैं, इसको रख लेते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है, इसको भी कोई काम नहीं है, इसको रख लेते हैं ऐसे, बिल्कुल करेक्ट। अलग अलग है ना, देखो ये अपना डीप स्लेट टाइल हो गया, और ये कॉबल स्टोन हो गया, और ये ओक फेंस हो गया, स्टोन ब्रिक वॉल, एंड्रोसाइट वॉल, कॉबल डीप स्लेट, और ये डायोराइट, और ये ओके बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अब अपने को पता है क्या करना है, देखो अपने को मतलब मैशअप करना है, मतलब ये जो इतने सारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो है ना आठों कॉम्बिनेशन करके मेरे को एक एक करके मतलब परफेक्ट एरिया पे लगा के, मान लो मैंने इधर ये लगाया तो दूसरा यहाँ लगेगा, फिर मतलब ये अलग अलग करके लगेंगे, तो तुम बस देखना अभी एक सेकंड में देख लेते हैं कितना क्रेजी बनने वाला है। अभी दिखाऊं तुम्हें इसका मतलब, अपने देखो पहले अपने को फ्रेम बनाना है, उसके बाद अपना बीच का पार्ट बनने वाला है, तो पहले फ्रेम कंप्लीट करते हैं एक सेकंड के अंदर। ओके गाइज अपने सारे के सारे पिलर मतलब सारे के सारे क्या, दो ही पिलर थे गिनती के, दोनों के दोनों पिलर बनके रेडी हो चुके, और दिखने के देखो कितने मस्त लग रहे हैं यार, मतलब इनका अलग अलग डिज़ाइन देखो, इसका अलग डिज़ाइन है, इसका अलग अलग ऐसे करके मतलब बिल्कुल मस्त लग रहे हैं। और अपना रहता अब ये वाला पिलर, मतलब जो मेन सरिया है ना, सरिया जो डालना है मतलब डालो बीच में, ताकि इनका सपोर्ट में जो रस्सी लटके, बड़ा है क्या ये, अबे यार ये एक बड़ा हो गया, नहीं दिख रहा है मेरे को, हाँ नहीं बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं उसको छोटा कर लूँगा यार, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मेरे को ऐसा सरिया आएगा, पूरा पिलर आएगा, मतलब उसमें ट्रैपडोर लगेंगे, नहीं अपना स्प्रूस के आगे लाना पड़ेगा, स्प्रूस उस साइड अपना स्प्रूस, और लगने वाला है वैसा पिलर, और उसके बाद लगेंगे अपने ग्राइंड स्टोन जिसके ऊपर लगेंगे अपना एन्चेंटमेंट रूम। यस सर, तो यस गाइज अब देखो अपना पिलर सारे के सारे बन के रेडी हो चुके हैं, अपने को बनाना है अब ये वाला पोर्शन। अब ओके गाइज अपने पे आ चुके हैं स्प्रूस लॉक, 26 लॉक आ चुके हैं। अब अपने को बनाना है ट्रैप डोर। ओके ट्रैप डोर बनाने के लिए अपने को ये करना पड़ता है शायद से। ओके नाइस वन, मतलब अपने को अच्छे खासे इतने, हाँ इनफ है शायद से, मेरे हिसाब से इतने इनफ है। अब मेरे को पता है क्या करना है, अपने लगेगा कॉबलस्टोन, फिर ट्रैपडोर, कॉबलस्टोन, ट्रैपडोर, कॉबलस्टोन, ट्रैपडोर, कॉबलस्टोन, ट्रैपडोर, कॉबलस्टोन, ट्रैपडोर, ट्रैपडोर, ट्रैपडोर। अब हम चलते हैं चुपचाप ऊपर, चलते हैं पानी से ही चलेंगे भाई, वैसे लग जाए बस पानी, हाँ लग तो जाएगा, कोई इशू तो नहीं है पानी लगने में। चल भाई चल भाई, मज़ा तो वैसे आ रहा है, दिखने का मस्त लग रहा है, कुछ बोलो यार अपना बिल्डअप है। चल यार बिल्ड अपना क्रेजी होने वाला है, अब आखिरी जब दिखेगा ना, मतलब यार पानी उतर गया यार, सॉरी हाँ, जब दिखेगा क्रेजी होएगा ना, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा अपना बिल्ड, तो देखना है तो एक नंबर जहर लगेगा कतई, मतलब भाई इसलिए बिल्ड भाई एक नंबर बनाने वाले अपने सर्वाइवल वर्ल्ड यार, ऐसे सुनना है इसको, ऐसे सर्वाइवल वर्ल्ड सोना कहेंगे, क्रेजी वाला बिल्कुल नेक्स्ट लेवल, आगे ऑलमोस्ट आगे, मतलब ये आखिरी बॉल है भाई यार, बस ये सर आ चुके अपने लोग हाईएस्ट पीक पर पहुंच चुके हैं।
अब अपने को जाना है ऐसे में, इसको तोड़ना पड़ेगा यार, इसको टूट जा टूट जा टूट जा, बालक टूट जा, बच्चा टूट जा, लड़का ओ सॉरी लकड़ी टूट जा, हाँ टूट गई। अब अपने को चाहिए कॉबल स्टोन, यहाँ पर लगेगा कॉबल स्टोन, ओके यस सर कॉबल स्टोन लग चुका है। अब अपने को चाहिए ट्रैप डोर, ट्रैप डोर लगेगा अपना, ना लगाना तो पूरा है एक सेकेंड को, चलो चलो शॉर्ट मतलब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसके ऊपर अपना लगने वाला है ट्रैप डोर एक एक के गैप में, तो वो इशू नहीं रहेगा, बिल्कुल परफेक्ट सज। ओ यहाँ देखो मैंने कहा था ना ये ऊपर एक ऊपर रह गया गलती से, ऊंचा हो गया गलती से, कोई नहीं इसको तोड़ देते हैं, कोई इशू थोड़ी ना भाई, कुछ गलत हो गया ऊंचा हो गया कोई मसला थोड़ी ना है। फिर वही है आगे आपको मैं ये क्या मीम था वो, अगर मैं इसको अबे यार जो भी था मतलब क्या था उसमें क्या था यार, अगर मैं ये कर दूँ तो कोई मसला तो नहीं, तो कोई मसला थोड़ी ना इसमें, ओ तसला है बस। ये देखना इसने सीढ़ी के नशे करके बैठाने से, हट छोटू हट छोटू है कहाँ है अब तो देखो यार, आपसी में भिड़ो तुम, अबे तो ये आपसी में नहीं भिड़ते यार, इनका सिस्टम अलग ही है भाई, ये भाईचारा और टॉप निभाते भाई कसम से। अबे हट ना हट सुअर हट हट अबे रुक हट, हाँ कहाँ है तू कहाँ है तू कहाँ है ये रहा हट, क्या दे रहा है ओए मैं कहाँ गायब हो गया यार ये, ये रहा एक सेकेंड दे क्या रहा है यार तू, मैं छोड़ो यार इसको, देखो अपना ये पूरा परफेक्ट हो चुका है। अब अपने को लटकाने हैं ग्राइंड स्टोन, ओके गाइज अपने यार रात भी हो चुकी है यार, रात बड़ी जल्दी होती है यहाँ पे, चल चल छोटू चल मारी नहीं रहा यार जी भाई, चल भाई चल अबे ओ डॉज करेगा लोने डॉज करेगा, इतना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा हो गया तू, घर वालों ने तेरे इतने संस्कार दे देखे अपने पप्पा से मतलब पप्पा तेरी राजा से, राजा से डॉज करेगा, अबे मैं ना मार दूंगा इन लोगों के कसम से, मैं कुछ बात कर रहा हूँ दोस्तों से अपने, तुम भयंकर परेशान करने में लगे हैं, इतने बड़े हो गए तुम हैं गवारो, निकलो यहाँ से। हाँ अपने को लगाना है ग्राइंड स्टोन, ये अपना ग्राइंड स्टोन, ग्राइंड स्टोन देखो कितने लगने वाले, मैं अभी बताता हूँ एक सेकंड को कितने ग्राइंड स्टोन लगेंगे, मतलब ऐसे में कितने ग्राइंड स्टोन नीचे उतरेंगे जस्ट अभी बताता हूँ। देखो अपना जो ग्राइंड स्टोन होगा ना लगना चालू होएगा वहाँ से, टॉप से लगना चालू होएगा और टॉप से लगने को आएगा नीचे 1 2 3 4 5 6 लगेंगे, 6 6 12 मैंने काफ़ी एक्स्ट्रा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एक लगेगा 6, यहाँ पे एक 6, नदी ऐसी बहेगी कोई दिक्कत नहीं है, अपने लोग चलते हैं ऊपर बनाते हैं, ओके गाइस ओ देखो ऐसा परफेक्ट है ना, हाँ बिल्कुल परफेक्ट है, 6 लगने वाले ग्राइंड स्टोन नीचे ऐसे ऐसे नीचे आएंगे फिर अपना बनने वाला। भाई ये डर्ट कौन उठा ले गया, अबे जोर बहुत आ गया भाई इसमें, यार इतना ऊपर जाना पड़ेगा मेरे को, ओके 1 2 3 गुड मॉर्निंग गाइस, अगली सुहानी सुबह हो चुकी है प्यारी सी मस्त जगने वाली, अब हम नीचे करेंगे एमएलजी, ओके गाइस परफेक्ट भाई, अभी एमएलजी में हकताना नहीं, ओए नहीं छोटू नहीं जी प्लीज़ भाई, कितने स्केलेटन स्पॉन हुए हैं रे, अबे भयंकर सब एक एक करके बज्जी में मर गए भाई सब, और तू पानी में गया ना बेटे बहुत मार खाएगा बेटे, दिमाग लगा रहा है तू छोटू, कहाँ गया मर गया, नाइस वन बेटे, जहाँ पे तेरी जगह है ना वहीं जाना चाहिए, वहाँ से अगर अलग नहीं जाना चाहिए, देखो अपनी चेन्स आ चुके नीचे, ये पिलर ऐसे बन चुका है, अपनी चेन्स भी नीचे आ चुके हैं, अब अपना रहता है सिर्फ रूम बनना, जो अपना रूम बनेगा ना सिर्फ रूम बनना रहता है, तो भाई मिलता तुम लोगों से बस रूम बनाने के बाद, क्योंकि रूम बनाने में काफ़ी मैकेनिज्म लगने वाला है, ग्लास लगेगा, वुड लगेगी, स्टोन्स लगेंगे, काफ़ी कुछ तगड़ा तगड़ा मतलब काफ़ी टाइम लगने वाला है उस रूम को बनाने के लिए, तो मिलता है तुम लोगों से बस सारा का सारा रूम बनाने के बाद, सीधे कंप्लीट करने के बाद ही मिलता हूँ वो, एन्चांटमेंट टेबल तो बना लेंगे वो अलग से लगा लेंगे, बुक शेल्फ्स कंप्लीट कर लूँगा बनाने के बाद, तो यस गाइस बस मिलता है तुम लोगों से बस एक सेकेंड के बाद, ओके गाइस सारा का सारा अपना पेपर और लेदर वाइक इकट्ठा हो चुका है, जो मेरे को जितना मतलब जितना मेरे हिसाब से अपने को चाहिए था, मतलब देखो अपनी बुक शेल्फ होती है ना, हाँ बुक शेल्फ बनाने के लिए अपने को 15 बुक शेल्फ चाहिए होती है, और 3 × 3 = 45 46 हो गया, एक फालतू ही हो गया यार, एक फालतू हमेशा रहना चाहिए, तो यस गाइस वो हमारा हो चुका है, अब हम चलते हैं इसको कंस्ट्रक्ट करने, इन द सेंस अपने बुक शेल्फ बनाने, वैसे वुड की कमी होने वाली है अपने मेरे हिसाब से, इतना मेरे को लगता है भाई पेपर की कमी नहीं होनी चाहिए बस, प्लीज़ भगवान जी, नहीं है पेपर की कमी नहीं है ना, नाइस वन परफेक्ट बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है यार, इससे लो यार थोड़ा सा यार, हाँ नहीं तो बेफालतू मैं, ओके गाइस अपना पेपर बच ही गया है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ ओ नाइस वन, ओए क्या परफेक्ट आया हूँ यार, एक एक्स्ट्रा क्या परफेक्ट लाया हूँ अपने को, वो एन्चांटमेंट टेबल बनाने के लिए भी तो चाहिए होगा यार, क्या परफेक्ट लाया एक फालतू लेदर, कोई दिक्कत नहीं सबसे बेस्ट बात हो चुकी है वो, अब अपने चलते हैं अपनी एन्चांटमेंट टेबल बनाने के लिए, अपनी डायमंड माइनिंग के लिए यार मेरे को, क्योंकि अपने पे एक ही डायमंड बचा यार, वो एक ही डायमंड बचा अपने पे, और अपने को काफ़ी सारे डायमंड चाहिए, मतलब काफ़ी सारे क्या एक ही डायमंड और चाहिए, क्योंकि देखो अपनी एन्चांटमेंट टेबल बन गए 2 डायमंड और 4 अपने क्या लगते हैं ऑब्सीडियन लगते हैं और एक बुक लगती है जितना मेरे को याद है, और यही होता है भाई जितना मेरे को याद है क्या, ओके वहाँ आ चुके हैं नीचे, और नीचे नहीं अपनी इन्वेंटरी रूम में चलते हैं, और अपना इन्वेंटरी रूम यहाँ पे, अच्छा यार छोटू अपने इन्वेंटरी रूम में आ चुके हैं, देखो अपने पे एक ही डायमंड है,
और अपने को डायमंड और चाहिए यार। ओके अपने पे ऑप्सीडन एक है, लेकिन यार जब नीचे जाऊंगा तो यार ऑप्सीडन माइन करके ले आऊंगा। अपनी इन्वेंट्री खाली कर लो यार, एक तो कूड़ा कबाड़ा ऐसा भरा रहता है ना कबाड़ों की तरह, भैंस की आँख। ओके इसको धर लो, इसको धर लो, इसका कोई काम नहीं, वुड रख लेते हैं अपने पे। वॉल्स तो देखो, वॉल्स का काम तो सारा खत्म। देखो फूड लेके आया मैं जब गया था ना माइनिंग, मतलब माइनिंग क्यों बोलता हूँ यार, ग्राइंडिंग के लिए, अपनी ग्राइंड करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए जब गया था ना तो वहाँ से लेके आऊँ काफ़ी सारी ये खाना वाना पका लेते यार। खाने काफ़ी किल्लत चल रही है, अभी तक मैंने वो बनाया तो नहीं है यार, बनाना चाहिए मेरे को क्या जैसे वो चीज़, मतलब जो अपना फूड फार्म होना है, टेम्प्रेरी फूड फार्म बनाएंगे। सीड तो अपने पे दो तीन स्टैक तो पड़े हैं यहाँ पे। हाँ हाँ एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पे अपना हो चुका यार, अपनी जितनी भी वो है ना क्या कहते हैं उसको, वीट, जितने भी वीट है सारे उग चुके हैं, वो फिर बड़े हो चुके भाई, ग्रोथ पूरी हो चुकी है। देखो ये सारे ग्रोथ हो चुके हैं इनकी, चुपचाप तोड़ लो भाई। ओके अपने को सीड से होगा एक हैंड में। अब यार देखो मैंने कहा था ना एक एक सेकंड में हो जाता है यार ये, अब मेरे को इसको सही करने के लिए हो बनानी पड़ेगी, जो भी मेरे बस की नहीं क्योंकि मेरा मन नहीं है। और चंपाकली दोबारा से मीट यू, तेरे को अच्छा लगा मिलके, मतलब मेरे को तेरे से मिलके अच्छा नहीं लगा, लेकिन तेरे को मेरे से, अबे मेरे को अच्छा लगा यार। अबे छोड़ो यार ये फालतू बात करवा लो मेरे से, हाँ हाँ नहीं तो भयंकर फालतू की बात करता रहता हूँ मैं। ओके अपना फूड इकट्ठा हो चुका, मतलब फूड पक चुका है, ये पक चुका है और ये भी पक चुका है, 10 हो गए, इतने इतने मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत है। ओके 41, ओ 41 कब लगा लिए मैंने ये, अपने पे 13 ब्रेड हो चुके हैं, इसको धर लेते हैं। और अपने पे वीट है करेक्ट, एक एक रख लेते हैं वापस से यहीं पे भाई, एक दो यहाँ पे और एक रखते हैं। 14 हो चुके अपने वीट करेक्ट, 14 वीट हो चुकी है भाई, जितना मेरे को मेरे हिसाब से अब तो इनफ है भाई, अब इससे ज़्यादा वोट नहीं चाहिए भाई, इसको धरो यार। भाई यार एक सेकेंड, हाँ मेरे हिसाब से अब मेरे को ज़्यादा फूड नहीं चाहिए, इसके अलावा फूड नहीं चाहिए। डायमंड अपने पे एक है, अपने को एक और डायमंड चाहिए ताकि हम एन्चेंटमेंट टेबल बना सके। तो चुपचाप चलते हैं माइनिंग पे नीचे भाई, तुम लोगों से मिलता हूँ बस माइनिंग करने के बाद, क्योंकि अपने को अभी नीचे जाना पड़ेगा। देखो स्टेप माइनिंग नहीं करता हूं, क्योंकि देखो अभी मेरे को कौन सा भाई यार ये दूसरी बार हुआ यार इस वीडियो में, जस्ट 0.1 मिली सेकंड से, मतलब 0.1 इंच का जो फर्क रहता है ना भाई, उसमें बसता हूँ यार। देखो अपने लोग चलते हैं अब नीचे, मैंने डायमंड कहीं तो खोज के रख रखे थे, कोई दिक्कत नहीं है यहीं पे। अब शर्टूज चल, ओके ओ भाई यार ये मैंने अच्छा वो टॉर्च लगा दी भाई, जब मैंने ये बंद कर रहा था ना भाई, इतने मॉब्स हो गए थे भाई, क्रीपर का खानदान पूरा आ गया, चाचा चाची फूफा ताऊ लड़के चाचा कितने आ गए। अरे ऐसे बस ज़ॉम्बीज़ का हो गया, स्पाइडर नहीं आई इतनी, ओ भाई कहाँ गया, हाँ स्पाइडर नहीं आई, और अपने स्केलेटन के चाचा के फूफा के लड़के के चाचा के ताऊ के सब आ गए भाई। भाई यार इतने आ गए थे भाई, स्ट्रगल कितना करा भाई लाइट लगाने के लिए, लाइट लगाने के लिए कितना स्ट्रगल हुआ, तुम क्या जानो बाबू, कौन सा बाबू होता है वो, तुम क्या जानो रमेश बाबू। हाँ हाँ भाई अब हम चलते हैं चुपचाप नीचे चलते। भाई यार ये हरकत मत फेलो भाई, छोटू भाई ख्वाब देख रहे हो इनके, ख्वाब देख रहे हो है बिल्कुल हड्डी से ख्वाब, देखो मेरे को मार रहा, राजा को मारेगा, ख्वाब देखो भाई इनके, नवाबी ख्वाब वाले लोग हैं यार ये पसंद नहीं है मेरे को नवाबी ख्वाब वाले लोग। भाई भयंकर, ओ यहाँ चलते अपने लोग नीचे चलते हैं, कोई नहीं आना चाहिए भाई। देखो ये हरकत नहीं चाहिए मेरे को कि हाँ मैं अच्छा खासा तोड़ रहा हूँ और क्रीपर चटक जाए, मतलब टपक जाए, क्योंकि देखो मेरे पे अभी है 41 XP और मेरे को करना है अपना टूल्स इंस्टॉल करने हैं। आर्मर तो अपना है नहीं, आर्मर तो अपना अगले वाले अपडेट में, अपडेट है यार नहीं, अपने अगले वाले एपिसोड 6 के अंदर इंस्टॉल करेंगे उसको, तो वो एक कॉन्सेप्ट अलग है भाई। नहीं यार भाई नहीं, और तुम लड़ो यार आपसी में लड़ो। थैंक यू भाई, थैंक यू मेरे दोस्त, तू ही मेरा दोस्त है भाई, तू आपसी में उसको मारा और मैं बच गया भाई। यार एक तो यार फूड भी ऐसा हो रखा भरा हुआ पूरा, सैचुरेशन फुल भरी हुई यार, वो देखो मेरे हिसाब से वो मरेगा क्योंकि इसके एन्चेंटेड वो है। मर भाई जल्दी मर, मैं मार के चल छोटू अब तू मर। ये तो वही बात हो गई, तीसरा बंदा का कोई काम नहीं होता लेकिन आखिरी में आके वही कर जाता है काना 25। अब लोग चलते हैं अब नीचे भाई, प्लीज़ नीचे कोई हरकत नहीं भाई। ओके ओ भाई नहीं यार, नहीं भाई मेरे यार, मेरे को क्या दिख गया यार, किस्मत देखो, मैं जस्ट इधर आया था लेकिन मैं, मतलब मेरे को याद था कि मैं यहीं पे था यार, मैं नीचे ज़्यादा आ गया मेरे को याद था, लेकिन भाई ये चीज़ मिल गई अपने को, इसमें एन्चेंटेड गोल्डन। ओके एक और चेस्ट, दो चेस्ट, ओ आसपास स्केलेटन भी है, इसमें क्या है, ओ मेंडिंग की बुक है, नाइस वन रे, मेंडिंग लगा लेंगे अपने इसमें स्वॉर्ड में, वैसे मेंडिंग की बुक बहुत काम की होती है रे। मैं छोटू चलना यार, परेशान मत कर मेरे को, इसके अंदर देखते हैं इसके अंदर क्या है। ओके अपने को डायमंड, ओके गोल्डन एप्पल यार, एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल दे दे, तुम्हारा कुछ चला थोड़ा जाता है यार। हाँ भयंकर रियल कोई काम तो नहीं, रियल ओ भाई यार क्या चल के आ रहा है किस्मत पे, एक ही है क्या भाई यार, ओ दो है वही तो, गोमा का एक कैसे होगा भाई, आसपास कोई और है क्या, चार डायमंड हो गए अपने पे यहाँ पे भाई, एक और मिलेगा यार प्लीज़। हेलो भाई एक और, ओ नाइस वन, छः हो चुके अपने, ओ तीन है, नाइस वन, तीन का वो था अपना, चार भाई अगर ये नहीं तोड़ता ना कसम से नहीं मिलता, 8 डायमंड हो चुके अपने पे, 8 का भाई साहब नेक्स्ट लेवल यार, किस्मत तुम्हारे भाई की नेक्स्ट लेवल चल रही है भाई। मैंने मतलब ये अपनी माइनशाफ्ट थी क्या नीचे, मेरे को अभी आज पता चला यार मेरे को, अपने जस्ट नीचे माइनशाफ्ट है यार, इसको एक्सप्लोर ना करते भाई, अपनी वीडियो ज़्यादा काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसको अगले वाले पार्ट में
वैसे हर चीज़ अगले वाले पार्ट में करूँगा तो भयंकर एक चीज़ देखो यार भाई यार हर चीज़ अगले वाले पार्ट में ओके गाइस सब लोग आ चुके हैं ऊपर की साइड और अपने भाई ये फालतू काम भी हो गया भाई रात भी हो गई क्या इतनी जल्दी। ओ भाई देखो ये दिख रही है कितना मस्त लग रहा है अभी से अभी तो इसकी कुछ हो ही नहीं है यार डेकोरेशन अभी तो सिर्फ ये स्ट्रक्चर बन के रेडी हुआ है अभी तुम डेकोरेशन के बाद देखना यार एक नंबर क्रेजी लगने वाला है मेरे भाई कसम से भाई एक नंबर लगेगा भाई। गुड मॉर्निंग गाइस अगली सुबह हो चुकी है अपनी वर्ल्ड की। ओके गाइस अब लोग चलते हैं ऊपर अपनी बनाते हैं एन्चेंट यार हक दिया ना मैंने यार मेरे को एन्चेंटमेंट टेबल बनाने के लिए चार ऑब्सीडियन भी चाहिए यार चार ऑब्सीडियन आगे से लाने पड़ेगा यार एक सेकंड को भी लाया बस अपना लाभ बोल वहीं पे तो यार उसी को टेंशन थोड़ी ना। ओ भाई यार ये तीसरी बार चौथी बार ऐसा करा भाई ये तीसरी चौथी भाई जोन सी बार करा तो यार भाई ये भाई ये इस कारणवर्ष किसी दिन बनूंगा बहुत गंदा मैंने इस कारणवर्ष तो देखो तीन की जगह मैंने चार ही इकट्ठे कर लिए कि भाई इतना कलेश कौन करे यार ऊपर जाने का नीचे बना लूंगा यार अपने इंटरवल जा चुकी है और अब यार नीचे स्पॉन क्यों है यार एक सेकंड एक ब्लॉक से रहेगा यार एक ब्लॉक ऊपर यार दो ब्लॉक से ऊपर चले जाता यार थोड़ा जंप भाई यार जंप करके ऊपर फेंकना था मेरे को कोई दिक्कत नहीं यार अपने लोग आ चुके हैं ऊपर की साइड। अब अपना मेन काम जो है सारा खत्म हो चुका है फूड भी खत्म हो चुका है भाई मेन काम के साथ फूड भी खत्म हो चुका है। यस सर खा लिया अपने खाना और अपन लोग बनाते हैं अपनी प्यारी सी एन्चेंटमेंट टेबल। छः बज चुकी अपनी ओके 6:11 बज चुके ओके अपनी एन्चेंटमेंट टेबल बन के रेडी हो चुके है फुल टू फुल टॉप टू टॉप आ गए अपने लोग। इस वाले पे एक स्टैक पड़े यार बहुत है यार एक स्टैक बहुत ही है यार अति ही अपनी ये आ गई है 15 बुक शेल्फ बनने वाली है ओके ओके यस सर अपनी सारी की सारी बुक शेल्फ्स बन के रेडी हो चुके हैं सारी की सारी बोर्ड रख देते हैं कोई काम की नहीं है मतलब काम की तो बहुत है लेकिन अभी कोई काम की नहीं है यार काम की तो बहुत है। बुक शेल्फ्स 15 बुक शेल्फ्स नहीं मतलब अपनी ब्लॉक्स ब्लैंक्स बुक शेल्फ अपने हो चुके हैं 15 एन्चेंटमेंट टेबल हो चुके हैं अपनी फुल टू फुल टॉप टू टॉप क्रेजी एक नंबर करके करूँ क्या अमल जी नहीं करना भाई रिस्क अब यार लो यार ये बचपन वाली बच्चों वाली क्रेजी कर दिया है मैंने बेफालतू की बात करके कोई दिक्कत नहीं। अब लोग चलते हैं ऊपर यहाँ पे अब हम अपना असली मकसद जो इतनी मेहनत कर रहे थे इसको बनाने के लिए वो फाइनली करा अपनी एन्चेंटमेंट टेबल लगाई एक दो ओ सही लगा रहा हूँ ना मैं पता चले गलत लगा दूँ मैं हाँ भाई पिछली बार मैंने गलत कर दिया था यार कसम से और इसको तोड़ना पड़ेगा मेरे को कोई दिक्कत नहीं यार इसको तोड़ दो यहाँ पे बुक शेल्फ लग जाएगी अपनी ओके गाइस यार सारे इसी बात पे वीडियो लाइक कर दो यार चैनल सब्सक्राइब कर दो यार ऐसी मज़ेदार वीडियो तुमको मिलती रहेगी यार। अपना हो चुका है एन्चेंटमेंट रूम कंप्लीट मतलब अभी इसका अपना वो नहीं हुआ है मतलब जो अपना डेकोरेशन नहीं हुआ है लेकिन अपना आधा मतलब जो अपना मेन टास्क था इसका स्ट्रक्चर बनाना और अपने एन्चेंटमेंट टेबल लगाना वो कंप्लीट हो चुका है। अभी तो मैं कुछ जादू दिखाऊंगा एक सेकेंड कितने का दे रहा है 30 की दे रहा है अनब्रेकिंग दे रहा है नाइस वन भाई ये क्या लग रहा है मेरे अजब क्या क्या वही सोचो मेरा क्या लग रहा है अनब्रेकिंग इसमें भी दे रहा है यार इसमें क्या दे रहा है फॉर्चून दे रहा है इसमें अब यार मैं हर चीज़ में अनब्रेकिंग दे रहा था फॉर्चून किस में दे रहा है वैसे फॉर्चून स्वॉर्ड में थोड़ा देगा फॉर्चून मैं कर दी ना वही वाली बात ओके गाइस तो मैं एक जादू दिखाऊं अभी एक जादू देखना अभी ये तुम्हें नॉर्मल ही लग रहा होगा ना अभी एक जादू देखना फिर तुम्हें कितना क्रेजी लगने वाले देखो 1 2 3 गुड मॉर्निंग गाइस हो चुकी है अगली सुहानी सी सुबह और आज सुहानी सुबह ही होगी क्योंकि आज अपना फाइनली अब जाके अपना कंप्लीट हो चुका अपना जो काम कर रहे थे तुम्हें पता है क्या काम कर रहे थे यू नो दैट वॉट आई एम डूइंग एंड वॉट भाई वट एवर जो भी लगाना भाई यार ये हक दिया भाई कोई दिक्कत नहीं अभी हम चलते चुपचाप नीचे भाई कितने क्रीपर आ रखे रे मैं क्रीपर है खानदान पूरे पार्टी वार्टी नहीं दे रहा भाई मैं चिंता मत करो ओए मैं पार्टी नहीं दे रहा भाई देखो इस चीज़ की पार्टी नहीं दूंगा भाई आओ भाई दिखा दिया क्या गलती से भाई यार पूरा नहीं देखा ना तुमने अभी पूरा मत देखना देखा पूरा नहीं दिखाऊंगा अभी मैं पूरा नहीं दिखाऊंगा अभी रुको रुको अभी थोड़ी बातचीत कर लें थोड़ी सी बातचीत कर लें तो ये गाइस फाइनली अपना पूरा का पूरा जो अपना एन्चेंटमेंट रूम है फाइनली अपना कंप्लीट हो चुका जो इतनी देर से मेहनत कर रहे हैं कुछ क्रेजी सही लग रहा है भाई शेडर्स में लगे देखो कितना मस्त लगता है अपना घर वाला एक नंबर यार लेजेंड तुम ऐसे देखो यार कितना मस्त लगता है अपना घर। तो फाइनली गाइस अपना वक्त आ चुका है जिस समय हम दिखाएं कि कितना क्रेजी सा बना है। तो यस गाइस अभी ज़्यादा अच्छी डेकोरेशन नहीं हुई है मेरे को पता है लेकिन यार काफ़ी टाइम लग रहा था इसलिए मैंने कहा तुम देख लो यार अभी देखो भाई कितना क्रेजी लग रहा है यार दिखने का वो एक सेकंड तुम्हें ऐसे दिखाऊं क्या अब तुम देखो ये पूरा ऐसे जो धूप का भाई सन का शेड देखो पूरी परछाई ऐसी कतई जहर की तरह बन रही है ना भाई नेक्स्ट लेवल यार देखो ये पूरा पिलर ऐसे जा रहा है और ये जो अपने एन्चेंटमेंट रूम है बीच में आके ओके अब तो बातचीत एक नंबर हो गया भाई देखो अब मजा आने वाला है देखो अब हम जाएंगे चुपचाप अपना एन्चेंट करेंगे मस्त मज़े से और अब हगना नहीं था यार गिरना नहीं था मेरे को यार एन्चेंट करना था यार ये एक तो ये मेरे को बड़ा करना पड़ेगा यार ऐसे करूँगा तो दिख गिर जाऊँगा वैसे इससे स्किल्स इंप्रूव होगी और कुछ नहीं होगा। ओके गाइस अपनी मैक्स लेवल की एन्चेंटमेंट बस सिल्क टच अगर आना फिर तो यार फॉर्चून ला के दो यार बहन का इसमें मेरे को रखना है लैपिस लेजुली रखना है यार इसमें मेरे को अपने पास लैपिस लेजुला नहीं है तो वो अगले वाले अपडेट में हम एन्चेंटमेंट सब कुछ करेंगे। तो यस गाइस
आज के लिए बस इतना ही। होप सो आपको ये वाली गेम प्ले वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कर दो, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर देना। मिलते किसी और तगड़ी मजेदार वीडियो के अंदर, जिसमें पहले लोग बनाने वाले अपने लिए डायमंड का आर्मर और एंचांट करने वाले फुल्ली एंचांटेड आर्मर, बैक्स लेवल एंचांट कर सकते हैं। देखो अपने को मेंडिंग भी मिली थी, तो एक मेंडिंग से काम नहीं चलने वाले, विलेजर से करेंगे ट्रेड। तो यस गाइज, होप सो तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते किसी और तगड़ी मजेदार वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय 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 बाय, टाटा सी यू गाइज। मिलते किसी और तगड़ी वीडियो में।